सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे i3s के बारे में। कि इस सब्जेक्ट को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मेरे स्प्लेंडर प्लस बाइक की i3s जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो चलेंगे आज लोकल शॉप में और देखेंगे, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम हुई तो वो ठीक कर देंगे, अगर ज़्यादा कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हुआ तो फिर सर्विस सेंटर में इसको ले जाएंगे स्प्लेंडर प्लस को। बेसिकली i3s है, i3s को डेवलप किया था हीरो मोटोकॉर्प यानी हीरो कंपनी ने। i3s आई थिंक उन्हीं का पेटेंट है, डेवलप भी किया था और पेटेंट भी उन्हीं का है, क्योंकि i3s जो है वो हीरो के सिवा और किसी गाड़ी में देखने को शायद नहीं मिलती है। तो बेसिकली i3 को डेवलप किया गया था इसलिए कि इंडियन रोड्स में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक जैम की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो उस समय क्लच और लो गियर पे गाड़ी को चलाना पड़ता है, लो स्पीड लो गियर एंड क्लच पे गाड़ी को चलाना पड़ता है। जैसे ही हम किसी सिग्नल वगैरह पे या जाम में गाड़ी को न्यूट्रल करके 10 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं तो वो ऑटो ऑफ हो जाता है, इंजन इग्निशन को रोक देता है और वहाँ पर तेल की बचत होती है। और स्टार्ट करने की समस्या कि अगर सेल्फ स्टार्ट करेंगे तो बंद हुआ फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसी नहीं है। इसमें है यूँ तो ये 10 सेकंड बाद जो ऑटो ऑफ होगी न्यूट्रल में, जैसे आप क्लच को पकड़ते हैं वैसे ही ये फिर से स्टार्ट हो जाती है बिना सेल्फ को टच किए। तो इसलिए हीरो मोटोकॉर्प ने अपने गाड़ियों में i3s को डेवलप करके इंस्टॉल किया। सो ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो हम पहले जाएंगे एक लोकल दुकान पे, वहाँ पे दिखाएंगे, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो ठीक है और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो ले जाएंगे हीरो सर्विस सेंटर में। तो और यहाँ ये खड़ी है मेरी R15। तो ये जैसे कि i3s में ये बंद हो गई, ये बंद भी नहीं हो रही है, इसको 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाना चाहिए था और फिर क्लच पकड़ते हैं इसको ये बंद हो गई, बट क्लच पकड़ते इसको ऑन होना चाहिए था बट क्लच पे ऑन नहीं हो रहा। अरे छोटू छोटू जरा देखियो i3s काम नहीं कर रहा, देखना जरा i3s काम नहीं कर रहा, देख लो चेक कर लो जो भी है। देखो कभी वर्क कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, ये देखो ये तो मेरे को लगा ये स्विच खराब होगा। नहीं स्विच सही है, ये वाला लगाने से होगा। लगा दो। ठीक है मैं डबल स्टैंड कर दूं। तो जैसा कि भाई ने दिखाया कि लीवर जो है टूटा हुआ है, लीवर को चेंज करेंगे, देखते हैं। और कितना मिनट लग जाएगा लीवर चेंज करने में? 5 मिनट बहुत है। ठीक है कर दो फिर। स्टार्ट। और ये तो क्लच का वायर भी टूट गया, वायर भी टूट गया है, इसका साथ ये भी टूट गया, दोनों आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है तो दोनों को चेंज करते हैं फिर, वायर तो लाना पड़ेगा, वायर है, वायर नहीं लाना पड़ेगा, वायर। ठीक ये कौन सा केबल है देखना जरा, ये सब इधर आने जरा, ये कौन सा केबल है? ये एक्सीलेटर वायर है, ये भी खराब हो गया, खराब हो गया। Thank you.
ठीक है छोटू चले हो। गया था सिर्फ I3S को ठीक करवाने, वहाँ पे लीवर टूटा निकला, क्लच लीवर, क्लच वायर, एक्सेलेटर वायर और अपना मीटर वायर सब चेंज हो गया। गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अभी चेक करेंगे I3S को साइड में कहीं रुक के। 2 hours later तो अब तक जो हमने बात की उसमें मैंने बताया कि I3S एक्चुअल में क्या है, कैसे वर्क करता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखने की बात करें तो अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो वर्क कैसे करता है, या हम अगर उस अगर वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई अगर वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या बाइकिंग सेक्टर में कितना कारगर साबित हो सकता है ये। ये हमारा स्प्लेंडर और अभी करेंगे इसको स्टार्ट। ये न्यूट्रल में है इस वक्त फ़िलहाल, तो ये न्यूट्रल में है फ़िलहाल, ये न्यूट्रल में है और इसे करेंगे स्टार्ट। ये हो चुका है स्टार्ट, और इसे ये आया गियर में, गियर मारने के बाद ये मैंने न्यूट्रल में करके इसे छोड़ दिया। और ये गाड़ी 10 सेकंड के अंदर बंद। अब इस बंद गाड़ी के सिर्फ क्लच को हम पकड़ेंगे। ये स्टार्ट हो चुका है गाड़ी। ये हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। ये गाड़ी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तेल की खपत वहां बच जाएगी, और जैसे ही आपकी सिग्नल ग्रीन होती है आप सिर्फ क्लच को पकड़ेंगे, विद इन 1 सेकंड ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लच पकड़ा, एक्सीलेटर को क्लच पकड़ा, गियर चेंज किया और एक्सीलेटर पकड़ के आगे निकल चुकी। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी थी और कुछ 10-12 बाइक में ही डेवलप होके निकल पाई। उसके बाद आई थिंक मार्केट में इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया या जो भी है। उसके बाद आई थिंक 100 cc और 125 cc की सारी बाइकों में लगभग हीरो ने 2-3 सालों तक ये चलाया। उसके बाद पता नहीं, अब तो I3S देखने को नहीं मिलता है, बट जिस समय ये निकला था उसकी बहुत धूम चली थी और मार्केट में चला भी बहुत ज़्यादा ही है। फिर यही रहा I3S, और आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि I3S में प्रॉब्लम होने पे कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, और I3S है क्या, किसने डेवलप किया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ छिपी थी। तो ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहें मज़ेदार ब्लॉग्स को। तब तक के लिए पीस आउट। I should fuck her in the best. Yeah. Sit her man, all we talk about is chance.